और मैं ये जानता हूँ कि अरिजीत सिंह की आवाज हंसते खेलते इंसान को रुला सकती है, लेकिन उनकी ये आवाज शायद ही ऐसा कुछ करे। नहीं, ये एडिटेड क्लिप नहीं है बल्कि उनकी ओरिजिनल आवाज है। तो क्या अरिजीत भी ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं? बताऊंगा, लेकिन इसे जाने से पहले बात करते हैं डीजे वाले बाबू बादशाह की, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में बिना डीजे बजाए ये सुनाया था। पर इसे सुनते ही वहाँ बैठी ऑडियंस का हाल बेहाल हो गया था। और वो मन ही मन बादशाह के चुप होने का वेट करने लगी थी, लेकिन हर सिंगर के सुर ताल में ऑटो ट्यून से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मेलोडी क्वीन श्रेया घोषाल की आवाज, जो चाहे जैसे भी गाएं, सोते जागते उठते बैठते उनकी आवाज लोगों के कानों में चाशनी घोलती है। पर इन सिंगर्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, ऐसे और भी कई सिंगर्स के असली सुरताल और उनके ऑटो ट्यून के कमाल का पर्दाफाश होगा हमारी आज की वीडियो में, टाइटल सिंगर्स विदाउट ऑटो ट्यून, रियल वॉइस ऑफ सिंगर्स। नंबर 1, बादशाह। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डीजे वाले बाबू से, जिनके एक ही गाने का मैं आपको दो अलग अलग वर्जन सुनाऊंगा। अगर आप म्यूजिक लवर हैं, तो आई एम श्योर आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज की बात करने वाला हूँ। पर अगर आप नहीं समझ पाए हैं, तो मैं बता देता हूँ, ये दोनों ही आवाज इंडिया के महंगे रैपर्स में से एक आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया और बादशाह की है। और जिन आवाजों को आपने सुना वो दोनों ही आवाज इनकी ही थी। बस फर्क इतना था कि पहली आवाज में बादशाह ने गानों को मस्त ताम झाम ऑटो ट्यून फलाना ट्यून सबके साथ गाया था, वहीं दूसरी आवाज ने उनके असली आवाज की पोल खोल दी थी, क्योंकि उसमें कोई भी ऑटो ट्यूनिंग नहीं थी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि नॉर्मली लोगों के लिए संगीत एक भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है, लेकिन बादशाह के केस में मामला थोड़ा उल्टा है, क्योंकि पहले तो इनके रैप्स किसी को समझ नहीं आते हैं, और मान लो कोई बेचारा अगर इन्हें समझ भी लेता है तो वो इनकी असली आवाज सुनकर अपनी समझ को ही कोसने लगता है। लेकिन जानते हो, बादशाह सिंगर चाहे जैसे भी हो, वो दिल के ईमानदार है, इसलिए तो उन्होंने खुलेआम ये कहा था कि ऑटो ट्यून की वजह से ही उनके जैसे अनट्रेंड सिंगर्स इंडस्ट्री में गुजारा कर पाते हैं। पर आप इन्हें कौन बताए कि आप तो ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करके गाने गा लेते हो और वो भी हिट हो जाते हैं, लेकिन आपके ऑटो ट्यूनिंग वाले कल्चर से पहले भी म्यूजिक इंडस्ट्री चलती थी, और तब के गानों का रीमेक भी आप ही लोग बार बार बना बना कर चला रहे हैं। नंबर 2, गुरु रंधावा। प्रॉपर पटोला तैनू सूट सूट करता बन जा तू मेरी रानी जैसे कई हिट गानों के सिंगर गुरशरणजोत सिंह रंधावा, जिन्हें हम गुरु रंधावा के नाम से भी जानते हैं, वो अपने पार्टी नंबर्स के लिए पूरे इंडिया में काफी पॉपुलर हैं, क्योंकि पंजाबी हिंदी फ्यूजन मिक्स्ड इनके गाने हर पार्टी में आग लगा रहे होते हैं। लेकिन इनकी जिस आवाज की वजह से इनके गाने इंडिया की हर पार्टी की जान होते हैं, क्या वाकई में इनकी आवाज इतनी दमदार है? इससे पहले कि आप लोग ये सोचो कि मैं ऐसा बेतुका सवाल पूछ क्यों रहा हूँ, मुझे ये बताओ, आप लोग जानते हो ना कि आजकल सिंगिंग के लिए ऑटो ट्यूनिंग का इस्तेमाल करना कितना कॉमन हो गया है? आखिरकार इसी तरीके की मदद से तो सभी सिंगर्स अपनी बकवास से बकवास आवाज को भी टेक्निकली सही कर देते हैं, जिसके बाद उनका चाहे गला खराब हो या फिर फटा हो, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। तभी तो आजकल आया हुआ हर सिंगर साक्षात सरस्वती माता का आवाज अपने गले में लेकर उतरता है, जिसके बाद हम उस सिंगर की आवाज की तारीफ ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कौन सी लेडी गागा गा रही हो, यकीन नहीं होता? तो खुद ही अपने फेवरेट गुरु रंधावा की आवाज बिना ऑटो ट्यून के सुन लीजिए। जिस हिसाब ना हंस दिया वो लग दी पंजाब दिया। सुन लिया, कैसे शेर की तरह दहाड़ लगाकर गाना गाने वाले गुरु बिना ऑटो ट्यून के दिवाली के फुसकी बॉम्ब की तरह गाते हैं। अब ये सब जानने के बाद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनकी आवाज कैसी थी, पर ये जरूर कहूंगा कि इनसे ज्यादा दमदार तो ट्रेन में गाना गाने वाले बच्चों की आवाज होती है, जो बिना माइक इंस्ट्रूमेंट या ऑटो ट्यून के भी पूरे डब्बे में सबके कानों तक अपनी असली आवाज पहुंचा देते हैं। नंबर 3, धवनी भनुसाली। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। नहीं नहीं, डरिए मत, ये इंसान की आवाज है, वो भी उस इंसान की जिसने लेजा लेजा रे का नया वर्जन गाया था। ओफो, बड़े नादान हैं आप, ये आवाज है ध्वनि भनुसाली की। वेल डन,
तालियां होनी चाहिए यार। जिन्होंने गाया है और जो आवाज आपने पहले सुनी वो भी उनकी आवाज है जो बिना किसी ऑटो ट्यून के मैंने आपको सुनाई थी। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। अच्छा, अब मैं जानता हूँ आप ये सच अपना नहीं पा रहे होंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इंडियन पॉप स्टार ध्वनि भानुशाली की भी आवाज बिना ऑटो ट्यून चाहे कम पानी ज्यादा लगती है। क्योंकि ये आवाज गानों में तो पतली और पेपी होती है लेकिन बिना म्यूजिक के काफी ज्यादा भारी होती है। फिर भी ये अपनी इसी आवाज के बलबूते पर आज इंडियन पॉप स्टार बन गई हैं, क्योंकि इनका म्यूजिक सिंगल रास्ते रिलीज के बाद 1 मिलियन व्यूज के साथ देखे जाने वाला पहला वीडियो था। पर तब शायद लोग ये जानते नहीं थे कि ये भी इंडस्ट्री की बाकी सिंगर्स की तरह ही ऑटो ट्यूनिंग का ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो शायद वो इनके गानों को सोच समझ कर सुनते। खैर मुझे उससे क्या, मैं तो यहाँ आपको धोनी की असली आवाज सुनाने आया हूँ, तो एक बार फिर सुना देता हूँ। पर ये सुनने के बाद मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जितना मैं जानता हूँ सिंगर्स तो लोगों को वही याद रहते हैं जिनकी आवाज 100 साल बाद भी वही जादू बिखेरती है जो रिकॉर्डिंग के वक्त 100 साल पहले बिखेरती थी। ऐसे में ऑटो ट्यून की बदौलत ये गाने तो गा देंगे लेकिन लोग इन्हें कितने दिनों तक याद रखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। नंबर 4, श्रेया घोषाल। अब अगली सिंगर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने ऑटो ट्यूनिंग के जमाने में अपनी असली आवाज का जादू और नशा ऐसे बिखेरा है कि इन्हें उसके सम्मान में 4 नेशनल अवार्ड्स और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। फेवरेट सिंगर श्रेया घोषाल। इनकी इस आवाज को सुनने के बाद मेरे पास बोलने के लिए शब्दों की कमी हो गई है, क्योंकि इस आवाज से मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। और इसकी वजह है इनकी आवाज की सच्चाई, जिसे ना ऑटो ट्यून की जरूरत है और ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट की। फिर भी मैं बता देता हूँ, श्रेया घोषाल इतनी टैलेंटेड है कि इन्होंने अपने करियर का पहला ऑफिशियल गाना देवदास का बैरी पिया 16 साल की कम उम्र में एक ही टेक में रिकॉर्ड कर दिया था, वो भी बिना किसी ऑटो ट्यून के। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि श्रेया का शायद ही कोई ऐसा गाना होगा जो किसी को पसंद नहीं आया हो, और ये बात खुद श्रेया भी बहुत अच्छे से जानती हैं। इसीलिए तो अपने फैंस को ट्रीट देने के लिए वो सोशल मीडिया पर भी अपनी मेलोडी अपने फैंस को अक्सर सुनाती रहती हैं, जिसको सुनने के बाद ऑटो ट्यून छोड़ो मुझे तो दुनिया के सारे ट्यून्स बेट्यून्स लगने लगते हैं। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि श्रेया की आवाज का जादू सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही है तो जरा अपने कान को खोल कर सुनिए, इनकी आवाज बंगाली सिनेमा में भी लोगों के कानों में ऐसे ही रस घोलती है। और इसी वजह से ये वहाँ भी काफी फेमस है, इसीलिए तो लोग इन्हें प्यार से मेलोडी क्वीन भी कहते हैं। नंबर 5, टोनी कक्कड़। अब इन जनाब की तो क्या ही बात करें, इनकी बहनें अपनी आवाज के दम से जगरातों से म्यूजिक शोज की जज बन गई हैं, और ये है कि उनका आंचल थामे ऑडियंस को बस रिपीट पे रिपीट लिरिक्स सुनाए जा रहे हैं। पहचान गए ना ये कौन है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो एक बार तो हम टोनी कक्कड़ के वर्ड्स को रिपीट करने की आदत को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। हेलो कबीरा स्पीकिंग। पर उसके बदले में उन्हें अपनी अच्छी आवाज ऑडियंस को सुनानी चाहिए ना, पर नहीं, ना तो इनके लिरिक्स यादगार होते हैं और ना ही इनकी आवाज दमदार है, क्योंकि जब इन्हें स्टेज पर बिना ऑटो ट्यून के परफॉर्म करने का मौका मिला था तब इनकी आवाज भीगी बिल्ली से भी बदतर हो गई थी। वहीं फिल्म्स और एल्बम्स में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए ये ऐसे गाते हैं जैसे मानो इनकी सांस में संगीत की धारा बहती हो। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों, अगर मैंने कोका कोला का ये वर्जन पहले सुना होता ना तो इस गाने पर थिरकने वाले हर बंदे को फौरन श्राप दे देता, क्योंकि टोनी वैसे तो अपने लिरिक्स को लेकर पहले से ही ट्रोल होते रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि थोड़ा सीखने के बाद शायद ये हमें अच्छे और बिना लिरिक्स को रिपीट किए कोई गाना दे दें। पर अब इनकी असली आवाज सुनने के बाद मुझे और आप सबको इनके प्रकोप से कोई अच्छा और बिना ऑटो ट्यून वाला सिंगर ही बचाए। नंबर 6, अरिजीत सिंह।
मैं जानता हूँ अरिजीत की ये आवाज आपने इंट्रो में भी सुनी थी, जिसे सुनने के बाद वाकई में आप सब खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो गाने को मजबूर हो गए थे। पर क्या इसका मतलब ये कि सिंगर चाहे कितना भी बड़ा और पॉपुलर क्यों ना हो, वो ऑटो ट्यून का इस्तेमाल जरूर करता है, क्योंकि ऑटो ट्यून के बिना तो उसकी आवाज किसी फटे स्पीकर से कम नहीं लगेगी, और जाहिर है ऐसी आवाज कोई नहीं सुनना चाहेगा। पर थोड़ा ठहर सुन ले जरा, क्योंकि अगर पहली आवाज अरिजीत की थी तो अब ये आवाज किसकी है? अरे मेरे भाइयों और उनकी बहनों और उनकी भाभियों, सोच में मत पड़ो, ये दोनों आवाज अरिजीत की ही है, और दोनों में ही ना कोई ऑटो ट्यून था ना ही कोई म्यूजिक। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक लाइव कॉन्सर्ट के वक्त माइक में टेक्निकल समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से अरिजीत के नादान परिंदे नादान कम और कानों को तकलीफ देने वाले परिंदे ज्यादा लग रहे थे, और इसी वजह से परेशान होकर अरिजीत ने खुद ही टेक्निकल टीम को माइक ठीक करने को बोला था और उसके बाद कॉन्सर्ट को आगे बढ़ाया था। केवल इतना ही नहीं, अरिजीत तो इतने ओरिजिनल सिंगर हैं कि वो अपने गानों में ऑटो ट्यूनिंग के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ होते हैं, और उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई भी कंपोजर या म्यूजिक डायरेक्टर उनकी आवाज के साथ छेड़छाड़ करे। इसीलिए तो जब वजह तुम हो मूवी में उनके गाए हुए गाने पल पल दिल के पास में ऑटो ट्यूनिंग का इस्तेमाल किया गया, वो गुस्से से आग बबूला हो गए थे और ट्विटर पर ही उन्होंने म्यूजिक कंपोजर को खरी घोटी सुना दी थी। मतलब बात सिर्फ इतनी है कि हर सिंगर को ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ सिंगर्स की आवाज वाकई में बहुत सुरीली है, जिसे जितनी बार सुनो उतना और ज्यादा सुनने का मन करता है। पर ऑटो ट्यून के खिलाफ आवाज उठाने वाले अरिजीत अकेले नहीं है, इस लिस्ट में सुखविंदर सिंह का नाम भी है, जिन्होंने पिछले 20 सालों में कुछ गानों को छोड़कर सभी गाने बगैर ऑटो ट्यून के गाए हैं। हालांकि हाल अब ऐसा हो गया कि इंडस्ट्री में आने वाले सभी नए सिंगर्स धड़ल्ले से ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो पुराने ही गानों का रीमेक बना देते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री से ओरिजिनलिटी गायब होती जा रही है। ये बात खुद सुखविंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में कही थी। पर क्या आप भी सुखविंदर सिंह की इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर इन सिंगर्स की असली आवाज ने आपके होश और आपकी नींद दोनों उड़ा दी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारी कोई भी अपडेट मिस ना हो इसलिए उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और नई खास बात के साथ। We'll be right back.